गुड़ाला से वाई लाता रो दादा गुंड वाला जमा आई लाता जमा आई लाता गुंड वाला जमा आई लाता रो दादा गुंड वाला जमा आई लाता गुंड वाला जमा आई लाता रो दादा गुड़ाला से वाई लाता अपना सोजर पेलता से वाई लाता जय सेवा जय फड़ाते जय गुणवाना अना प्रकाश नांदेवराव सलामी नींद अपलो ना गुणवाना दर्शन फेसबुक करो घुड़ेवाल सबूटे मावा सगा गंतनीट मावर दाई मावर लावलाल नावल सेलाहक तमुर मावर आपो काको दादो सबे गुंडी गंजवान सगा बिडारपुर बाबा कोया गंजवान ने आहुने इद गुणवाना दर्शन ते घुड़ेवाम सबुटे संगीत साथीट ने मिकुन नाना जय सेवा क्या तो ना सबसी नांदी शिरडी सिंगार ता सबसी फडोर शक्ति बदेन अमोट मुर्रा पेन इंतोड़ोम फड़ा पेन इंतोड़ोम सजोर पेन इंतोड़ोम बुढ़ाल पेन इंतोड़ोम सरला गांगरा शक्ति इंतोड़ोम सिंगा बोंगा शक्ति इंतोड़ोम पूना ऊना शक्ति इंतोड़ोम सभी कुन सभी ना अर्थ उन्दी चाहिए मावा अवा गंडू दाई तोर सिंगार दीप तोर आंदी राजाल कोसुडूं उंडे ओना वैलो मुलादाई आहुने मावर कोया पुनेम सत सरी तो मुठवाल मुठवा पोए रूपो लंग पहांदी पारिकुपार लिंगो उंडे मावा सगा पिडारता वेंदाई जंबो रायताड मावा गुंडीगण जीवांग जीवांगकुन जनुम सीए दाई मावा दाई कदी आहुने मावा मरावी कुटमार तोर हिमाल पेन उंडे उना तमुर सेलाहक सबेना हेत क्या तोने आहुने मावा अर्नरु संभु मादाव मावा लिंगो पेन रुकते मंदोर मोती रावन नी कंगाली हेरकुन नाना नेंड हेर किसी नावा तल्ला नवी किसी कुन जय सेवा क्या तो ना और उंडे मावा जो राजात मंदोर हवा गुणवाना भुई तो राजा सबुते राजा उंडे उना वैलो उंडे मावा हवा गुणवाना भुई ती ना फव आई तेनलाई अपलो जीवासी तोर बाबोरा पुलेसोर सेडमाका चांदागढ़ दक्षिण गुणवाने राजधानी तोर आवने शंकर शाह रघुनाथ शाह मड़ावी संघ ने अपलो गुणवाना लाई जीवासी तोर वीर नारायण मरकाम मावा तेलंगाना तोर आंध्र प्रदेश तोर उन्दी संजय साची भीमू कुमराम दादान आहुने
मापुन जनपुट्टा नवा वहे अवाल तेनवासी दिदाबाई नंदोराव सलामी मार अक्को बाबा आसारावन सकाराम पंद्रे मार तादो डोंगरीजी गोरख सलाम नावा पापी रत्नाबाई डोंगरीजी सलाम अहुने मावा काको रखाबाई आसारावन पंद्रे यू सबुटे नालूम पेन पुरखालना अना मावा अवाल बागोदना पीते कुछ वातो ना ओरकना सभी कुन नाना जय शोभा क्या तो ना एक क्या तो ना सुमरन क्या तो ना अहुने गुणवाना दर्शन कोर गुणवाना दर्शन मासिक कोर आंधी संपादक तिरुमाल सुनेर सिंह ताराम बोलकुन भी नाना नेड हेत क्या तो ना उनकुन सेवा जवाब क्या तो ना संगने मावा वेन रुकते मावा गोणवाना का मोट्यारीन उषा किरण अत्राम ताई उंडेव उषा किरण ताई सांग इद इरु इद गोणवाना दर्शन ते सेवासी कोयतार तिरुमाय शताली सेडमाके संगने तिरुमाल बिच्चू वड्डे सर मंदोर अहुने तिरुमाल नंदकिशोर नैताम दादा तिरुमाल रमेश कोचा दादा उंडे तिरुमाल प्रवीण मडावी सबे ना नाना आभार माना माय तो ना सेवा जोहर क्या तो ना का मापुन निवा सेवा इति गुणाना दर्शन तुन इमा सेवा सिसरे सिसरे मातुरी आणि नेम नापुन दु मौका पुट्टा ई आपलो विचार हडप्पा मोंद जोडो रूप लिपी बहु आपलो गोंडी पोलो ना सीड धातु ते सीड धातु का गोंडी पोलो ना सीड धातु का सहायता ये चिपुन मार एन रुपते हिंगो मुतिराम कंगाली पड़े मातोर इत विषय ते नाना नवा विचार गा इरका हिमा केंच की जो नाना मिनट क्या ना क्या तो ना माँ कह दे बीबी चुपगुल आया पड़ता तो तेन लाई नाकुन हिमाट अपलो नक्तु वाले आंधी मामा सगा स्वरा आंधी तो नाकुन माफी से की क्यों दी नाना सभी कुन मिनट क्या तो ना हाँ एक जन पाता है पाऊँ बोला मैं चलो बोलो एक नेता मामा जी नहीं नंबर नहीं मारता जेल नंबर जेल थोड़ा जेल तो मार देता नेता बोला तो गुणवाना दर्शन के सभी दर्शकगण सभी को जय सभा करता हूँ और आज मुझे गुणवाना दर्शन फेसबुक के माध्यम से अपने विचार रखने की संधि प्रदान की हमारी मोटेरिन गुणवाना के मोटेरिन तिरुमाय उषा किरण अत्राम जी और
इनके जो साहेबगण हैं कोयता शताली शर्मा के, भिक्षू वर्दे, नंदकेश्वर मेहतान जी, रमेश कोचा, प्रवीण मराजी जी, इनका मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करूँगा। और हमारा जो ये सेंद्रीय लिपि का गुंडेली उद्वाचन इस विषय हमने प्रदान किया गया है गुरु नानक दर्शन की ओर से, उस पर हमारे कुछ विचार रखेंगे। तो सबसे पहले इस भूमिका में जाने से पहले गोंडवाना भूमि की विशालता और जो सदावेन व्यवस्थाधारी कोया वंशी कोयतुरगण हैं उनका उद्गम स्थल और उद्गम स्थल से उनका पंचखंड धरती गोंडवाना पे में जो विस्तार हुआ, तो उस बारे में भी हम रोशनी डालेंगे। उसमें गोंडी भाषा की व्युत्पत्ति किस तरह हुई, उसके नायक अधिष्ठाता हमारे कोयापेन के अधिष्ठाता कौन थे, किस वजह से गोंडी भाषा निर्माण हुई, उसमें भी रोशनी डालेंगे। और साथ साथ वेल विस्तार होके अमरकोट से वेल विस्तार होकर जो हरवाकोट और मुरवाकोट जो हमारे गोंडी भाषा में प्राचीन नाम है और उसे वर्तमान में सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो भी कहा गया है उस पर क्षेत्र को, तो वहाँ पर हमारा जो नागरी जीवन जो था वो परम कुटी पे पहुँचा था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और वहाँ पर 1921 में जो एक्सकैवेशन हुआ था, उत्खनन हुआ था, और वहाँ पर जो मुद्राएं मिली थी और मुद्रा पे अंकित चित्रलिपि उसको पढ़ने का प्रयास धरती के सभी भाषा शास्त्रों ने किया, लेकिन वो सब असफल रहे। लिपि को हमारे गोंडवाना के गोंडवाना साहित्याचार्य मुख्यराम जी कंगाली, इन्होंने अर्थपन्न रूप से पढ़कर संसार को आश्चर्यचकित किया और इस रहस्य से पर्दा उठ गया है। 2002 में उनकी परम संशोधन ग्रंथों में से एक सैनवी लिपि का गोंडी में उद्वाचन, इस पर भी हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। चर्चा से ज़्यादा हम वो चित्रलिपि गोंडी भाषा के माध्यम से कैसी पढ़ी गई ये डायरेक्ट लाइव स्थिति में आपको दर्शाने का प्रयास करेंगे। तो सगाजन, सबसे पहले जो हमारी गोंडवाना धरती है, इस धरती को प्राचीन काल में कोयमुरी देवी कहा गया है, कोया मरियो का कोयमुरी देवी। और हमारे गोंडवाना के गोंडी संस्कृति के संदर्भ के हमारे पेन मुखवा तिरुमाल वेंकटेश जी अतराम जी ने अपनी शोध ग्रंथ गोंडी संस्कृति के संदर्भ में इस गोंडवाना भीति को गंड मंदाना गंड धर्मवाना भी कहा गया है, मतलब जो गंजू है हड़प्पन चित्रलिपि में उसको गंडा भी कहा गया है। वो उस गंजू का जो गोंडवाना भूमि है और उसकी जो कोया वंश पीढ़ी है वह उद्गमित हुई है अमरकोट मध्य भारत में, मध्य गोंडवाना में अमरकोट जिसे अन्य लोगों ने अमरकंटक कहा है, वहाँ पर हमारा उद्गम स्थल है नर्राल मादाल अर्थात हमारे प्रथम दाई दव जिसे भाषा में कहा जाता है,
को जो दाई है चंद्रलेखा मूर्ति रावेन कंगाली जी, जिन्होंने अपनी ग्रंथ गोंडवाना जू जगत की उत्पत्ति उत्थान पतन और पुनरुत्थान संघर्ष में अपनी एक बहुत ही मौलिक शोध ग्रंथ में एक गाथा लिखी है जिसे गोंडवाना का फड़ा कल्डू भी कहा गया है। इस कथासार में उस समय पूरा पाषाण काल उस समय में हजारों साल वर्ष पूर्व हमारा एक प्रथम ज्येष्ठ दाई और दाई दाऊ जिसे गोंडी भाषा में नाम है फरावेन सई लांगरा। तो यह जो प्रथम दाई दाऊ है या प्रथम नर्राल मादर है उनको दो संतान थी। एक पुत्र था उसका नाम आंदी रावेन पेरियोल, प्रथम पुत्र का नाम, एक तो पुत्र था दो संतानों में से, एक का नाम आंदी रावेन पेरियोल और पुत्री का नाम था आंदी सुकमा पेरी, जो रावेन सेवा का हरा ज्येष्ठ दाई लोग को जो संतान थी उनके नाम आंदी रावेन पेरियोल और पुत्री का नाम था आंदी सुकमा पेरी। और ये चार कंजू हो गए और उनके साथ एक कौवा भी था और एक कछुआ भी था, तो छह जू बचे थे। तो इस कथासार संक्षिप्त में कहा गया है कि उस समय महाप्रलय हुआ, महाप्रलय में ये छह जू बचे, तो उस समय में उनके हराबेन सेला गंगरा ने बच्चों को, मतलब महाप्रलय हुआ पानी हो गया चारों तरफ, तो उन्होंने कहा कि ऐसी भूमि का खोज करो कि वहाँ हम रह सके। तब ये दो पुत्र कछुआ कौवा ये मतलब सिंगार द्वीप का मतलब भूतल का शोध के लिए निकले और उनको एक स्थल मतलब घूमते रहे और दोबारा लौटे। दोबारा लौटे तो उनके जो दाई दाऊ है नरल माता है माता पिता है परावेन सेला गंगरा का, जब वापस लौट के आए तो वहाँ पर अमरकोट जो है वहाँ कोयापिलन धारा निकली है, तो वहाँ वो मिले नहीं, लेकिन वहाँ पर सिंहमाली पक्षी का जोड़ा था उसी को वो अपने माता पिता वो मान बैठे और वहीं उन्हें सेला गंगरा जो प्रतीक चिन्ह है वहाँ उन्होंने स्थापना की और यहीं से हमारा सगावेन व्यवस्थादारी कोयतुर गंजो का कोया वंश भी निकले है। तो यह होगा हमारी व्युत्पत्ति। और फिर कुछ समय पश्चात ये जो दो बच्चे थे आंदी रावेन पेरियोल और आंदी सुकमा पेरी, इनका वेल विस्तार हुआ और उसके पश्चात जो हमारे पुरखे थे वो अपने पर्वत और कोप में रहने लगे। वो अपना जीवन यापन करने के लिए शिकार करने लगे, खेती बाड़ी करने लगे, करते 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 उनमें एक सामुदायिक व्यवस्था जिसे मंडला व्यवस्था कहते हैं, मतलब समुदाय में रहने लगे, वो विकास होते गया। तो ऐसा करते करते उनका वेद विस्तार जो पंचखंड धरती गोंडवाना है चारों ओर बिखर गई, मतलब वो अपना वेद विस्तार करने लगे, नदी नाले पर्वत के मतलब क्षेत्र में वो अपना विकास करने लगे। और ऐसा करते करते हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो एक क्षेत्र है अभी वर्तमान में सिंधु घाटी की सभ्यता जिसे कहते हैं वहाँ पहुँचे और
इन्हीं मतलब जो कोया वंश की जो भीड़ी है, रेल विस्तार है, तो उसी में एक हमारा गुणाना धरती का जो अधिपति है, पंचखंड धरती का राजा है, जिसे हम शंभू माधव कहते हैं, शंभू माधव। माधव का अर्थ होता है गोंडी भाषा में हमारे पिता, मावा दाऊ, मतलब हमारे पिता। कोसडुम ने मुरक्का छवि हमें प्रदान की, और उसी क्रम में और शंभू शेखों की श्रृंखला होती गई। जैसे प्रथम जोड़ी है शंभू कोसडुम मुलादाई, मध्य की जोड़ी है शंभू गौरा, और अंतिम जोड़ी है शंभू पार्वती। तो इसी कुरापोट गणराज्य के एक राजकुमार रुपोलंग जो थे, वो कुरापोट के राजकुमार थे, और उस समय में उनके क्षेत्र में युद्ध हुए, कुछ मतलब बीमारियां फैलने लगी, युद्ध हुए, मारकाट हुआ, तो कुछ दिल से मन मस्तिष्क में बहुत उदास हो गए। उनकी सेना ने परास्त कर दिया, लड़ाई होती गई, तो जीत मिली, और वे फिर युद्ध तो जीत लिया उन्होंने, फिर उसके बाद वो अपने माता पिता से आगे लिए और सत्य मार्ग शोध के लिए भ्रमण करने लगे हमारे पंचखंड धरती गोंडवाना में। भ्रमण करते करते वो पेनगोदा, जो पेनगोदा ढोड़ा, मतलब पेनगोदा जो नदी है, तो वहाँ पे अपने जो उनकी सवारी थी गिदालपोड़ा, एक विशालकाय पक्षी था, उस पर सवार होकर वो विश्राम करने लगे। और उसी समय में कुछ जेठ माह का महीना था और बारिश हुई, और बारिश हुई और उसी उसी दरमियान अपने जो एक महापुर आया या नदी को बाढ़ आई, और शंभू और गौरा उस समय अपने गोंडवाना परिभ्रमण थे, कुछ ये बाढ़ आई थी उसका मजा ले रहे थे। तो उस समय मैं डिंगो को एक झाड़ के नीचे सोए थे, तो बाढ़ का पानी से वो वहाँ पे बहने लगे, और उसी समय उनका ध्यान गया, शंभू गौरा की जो जोड़ी थी उनका ध्यान गया कि एक युवक उस बाढ़ में बहते जा रहा है। इतना ही नहीं, तो एक घोर में भी फंसते जा रहा था, तो शंभू माधव जी ने उस युवक को बचाने की पूरी कोशिश की, और कहते हैं कि वो घोर में जा रहा था, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने एक पत्थर मारा उस भंवर में, लेकिन वो भंवर में तो पत्थर गिरा नहीं, गोंडी भाषा में उसे टोंगी कहते हैं, वो पहाड़ी जो एक पेड़ था उसको रखकर एक कुंगार, पहाड़ी कुंगार उस भंवर में गिरा, वो भवन शांत हो गया थोड़ा, और वहीं से शंभू शेख ने उसको बाहर निकाले तैर के वहाँ जाकर, और वो मूर्छित हो चुके थे, रूपलंग जो है वो मूर्छित हो चुके थे, और उनको फिर होश में लाने के लिए पूरी कोशिश की। और उसी दरम्यान शंभू गौरा की जोड़ी थे शंभू माधव जी ने अपनी जो उनके पास जो वाद्य था इसको गोइंदारी कहते हैं, तो उन्होंने वो गोइंदारी बजाना शुरू कर दिया, तो उसके जो स्वर निकले वो स्वर लिंगो मतलब रूपलंग के कान में गए, और वो कुछ थोड़ा 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 चेतन अवस्था में आने लगे, होश में आए, थोड़ा कुछ कॉन्शियस बेल भी थे। तो जैसे शंभू माधव जी ने अपना डमरू बजाया, अडंग अडंग उडंग उडंग अहडंग अहमदंग, और ये स्वर निकले, और साथ साथ में कडंग खडंग गडंग गडंग कटंग पटंग, इस तरह के डमरू में से स्वर निकले। तो उसी स्वर को सुनकर लिंगो जी ने अडंग यानि अना अडंग अडंग यानि अमोघ
इडम यानी इमाम, मतलब इसमें से जो ये सर्वनाम भी निकले इडंग इडंग उडंग अंडांग अडांग एडांग, इसी सर्वनामों से और स्वर व्यंजनों से हमारी बूंदी भाषा निर्मित हुई है। साथ साथ में उसके जो अंकुमान है अर्थात बूंदी रण मून नालुम सयुम सारुम येरुम अरुम नरुम पद पदुन पारण, इस तरह ये अंक की जो दुनिया है वो भी वहाँ से निकली और इसी गोंडी स्वर व्यंजनों को गोंडाणी वाणी या गोंडी भाषा कहा गया है। तो यह रह गया हमारा यह जो था विश्लेषण गोंडी भाषा निर्मिति का। और सबसे एक अहम बात हम सगाजनों को और दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जो गोंड या गन शब्द है उसकी संज्ञा कैसे पड़ती है। चंद्ररेखा मुत्यरंजी कंगा जी ने अपने ग्रंथ में जीव जगत की उत्पत्ति उत्थान पतन और पुनरुत्थान संघर्ष में बहुत ही सटीक तरीके से उसका अर्थ बताया है कि हम गोंडोला में रहते हैं। गोंडोला का अर्थ होता है गोंडी भाषा में गोंडोला यानी समूह ग्रुप। तो जो कबीलाई थे ग्रुप में रहते थे समूह रहते थे उसको गोंडी भाषा में गोंडोला कहा गया है। और गोंडोला को एक गंडू को गोंड या गंडाल ऐसी शब्द की व्युत्पत्ति, मतलब इसका ये रहस्य है। गोंड गोंडोला का एक गंजू गोंड, और उन्होंने हमारे रुकुलम पांडी पाली कुपार लिंगो ने अपने सत्य ज्ञान प्रकाश के द्वारा सृष्टि का रहस्य जान लिया था। ग्रह तारे चंद्र ये जो सौरमाला है हमारी 12 ग्रहों की, तो एक सूर्य और सूर्य के सराउंडिंग में 12 ग्रह परिभ्रमण करते हैं और वे एक दूसरे से टकराते नहीं, अपनी अपनी कक्षा में वो परिभ्रमण करते रहते हैं। तो ये जो पारण गांगरांग मतलब ये पोपड़ी पोतू यानी सूरज और उसके सराउंडिंग में परिभ्रमण करने वाले जो 12 ग्रह है वो एक दूसरे से टकराते नहीं, एक दूसरे के सीमा में वो प्रवेश भी नहीं करते, सम्मान करते हैं। तो वही व्यवस्था वो जो सगा व्यवस्था है लिंगू जी ने प्रदान की अपने जो मावादाई कली के जो कोया पेंट है संख्या में 33 थे वो उनको कोया पुनी की दीक्षा दी। और उसमें उंडीवेन रणवेन मुनवेन नारवेन सैवेन सारवेन येरवेन अरवेन नरवेन पदवेन पदुंदीवेन आणि पारंडवेन को 1 से 12 सम विषम गोत्र की रचना की। और उनमें प्रथम 7 सगा मतलब जो सगा घटक प्रमुख है वो 7 ही है, और जो जो 12 में से ये 7 हो गए सगा घटक प्रमुख और जो बचे है वो 5 है भूमिका प्रमुख, जैसे कोलावसुर गुंगो मानको सुंगाल गुंगो तुरपुराय गुंगो हीरा ज्योति गुंगो और नारायणसुर गुंगो, ये 5 उनका प्रमुख। तो सम विषम गोत्र में 1 से 12 जो सम विषम गोत्र है ये वेन है, जैसा हमने बताया उंडीवेन रणवेन इस तरह, तो ये वेन व्यवस्था आधारित है। तो गोंडी गोंडोला की गोंड और गोंडी वेन गोंडी वेन व्यवस्था ही है, इसलिए वो गोंडी वेनों का गोंडवाना उनके इस कोयमेरी द्वीप को कहा गया है। तो यह होगा गोंडवाना की व्युत्पत्ति उसका संज्ञा, और ये सभी गुणों का गोंडवाना है। उसमें कुल 51 हमारे जो है गण है कुल, उसमें सभी गण है हमारे गोंडी ग्रंथों में, ये सब अंगाली जी ने और चंद्रिका कंगड़ी जी ने लिपिबद्ध किया है। तो इस तरह ये गोंडी वेन गोंड शब्द की व्युत्पत्ति गोंडी भाषा की व्युत्पत्ति उसका निर्माण कैसा हुआ ये हमने आपको बताया। तो सगाजनों अभी जो हमारा मुख्य विषय है सैनवी लिपि का गोंडी में उद्वाचन, इस परम शोध ग्रंथ का
जो विमोचन हुआ था सन 2002 में चैत्र पूर्णिमा का दिन नागपुर के झांसी रानी चौक जो था उस समय का तो वहाँ सभागृह है, उस सभागृह में हम भी मौजूद थे। आज 18 साल हो गए हैं, 18 साल से भी ज़्यादा हो गए या ग्रंथ का प्रकाशन होकर, और हमने इसका भी थोड़ा थोड़ा ही सही अध्ययन किया है, सिंधी लिपि का बुंदेली उद्वाचन। तो मैं अभी चाहता हूँ कि डायरेक्ट अभी हड़प्पन लिपि चित्र लिपि बूंदी भाषा के रूप माध्यम से अर्थात मूल रूप गांव के सहायता से कैसी पढ़ी गई, तो इसका हम विश्लेषण डायरेक्ट अभी जो हमारा एक बोर्ड है उसमें करने जा रहे हैं कि बूंदी भाषा के रूप गांव से मतलब रूप माध्यम से कैसी पढ़ी गई वह हम अभी थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में अब बताएंगे। तो इसके लिए हमारे जो पुत्र है शेयर सलाम है वो भी हमको मदद कर रहे हैं। मैं उनको विनती करता हूँ मेरे बच्चे को थोड़ा अपना कैमरा डायरेक्ट यहाँ पर ले आए बोर्ड पर और हम इसका विश्लेषण कर सकेंगे। और आशा रखता हूँ कि हमारे जो दर्शकगण हैं अध्ययन करता है वे भी कागज कलम लेकर अगर रहे होंगे तो वो भी नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक हम चित्र रेखांकन करते हैं, आप देख लीजिए। जैसे ये जो एक पर्ण या पान का चित्र है इसको बूंदी भाषा में आय कहा जाता है, आय आया आया आकी कहा जाता है, ठीक है। बूंदी भाषा में पान के लिए शब्द है आया आकी, ठीक है। ये पर्ण है, अंग्रेजी में आप इसे लीप कहेंगे और मराठी हिंदी में पान कहेंगे, ठीक है। और लेकिन बूंदी भाषा में आया आकी कहते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सरल तरह से कंगाली जी ने इतने ये जटिल चित्रलिपि थे बहुत ही सरलता से उन्होंने इसको पढ़ा है, तो हमें गर्व होना चाहिए। हम सगा वेनों को ही नहीं तो समस्त भारतीय गणों को भी गर्व होना चाहिए कि हड़प्पन लिपि जिसके लिए संसार के सभी भाषाविदों ने भूगोलवेत्ता ने पढ़ने का प्रयास किया लेकिन वो असफल रहे, लेकिन कंगाली जी ने अपने बूंदी भाषा के माध्यम से पढ़ लिया। वो इतना आसान भी नहीं था पढ़ना, इसके पूर्व में उन्होंने बूंदी भाषा शब्दकोश एक बूंदी भाषा शब्दकोश दो लिपिबद्ध किया, उसके पश्चात बूंदी भाषा व्याकरण बूंदी लंबेज कड़कयान उंडे लंबेज चौड़ी ये बूंदी व्याकरण भी लिपिबद्ध किया, और उसके बाद उन्होंने जो बाकी के जो है भाषाशास्त्री उन्होंने भी अन्य भाषाशास्त्री है आस्को परपोला है जूल ब्लांक है वाल्टर फेरे सर्विस है उनके भी ग्रंथों का मतलब जो उन्होंने जो प्रयास किए थे हड़प्पन लिपि पढ़ने के उसका भी उन्होंने अध्ययन किया, लेकिन वो अन्य जो भाषाशास्त्री थे वो विफल रहे, पूर्णतः विफल रहे। तो लेकिन उसके पूर्व में उन्होंने ऐसा अपने मतलब ग्रंथ में लिखा था कि ये जो बूंदी भाषा है तो ये बूंदी भाषा अन्य मतलब बूंदी भाषा परिवार की ही अन्य भाषाएं है, द्रविड़ भाषा है वो सब बूंदी भाषा से निकली है, ऐसा उन्होंने रिमार्क लिख के दिया था। तो क्योंकि इसलिए उसके जो स्वर भेद चिन्ह है बूंदी भाषा में जो पाए गए हैं तो वो अन्य द्रविड़ भाषा में नहीं है, वो इस तरह की मतलब समझो ये अभी हम कभी बूंदी भाषा में अन्य लोग मान लो दादा कहते हैं लेकिन हमारी बूंदी भाषा में एक जो प्रत्यय लगता है आल प्रत्यय लगता है दादाल आल जो ये प्रत्यय लगता है
ये इसका विशेषण है, विशेष है। यह जो है आल प्रत्यय या फिर जो स्वर भेद है, जैसे कोई तो जैसा कोया तो, ये जो ये स्वर चिन्ह है तोर जो है, तो ये जो स्वर भेद चिन्ह है वो अन्य भाषा में नहीं, इसलिए गोंडी ये सभी भाषा की जननी है, ऐसा उन्होंने विमर्श किया। तो कंगाली जी के मन मस्तिष्क में कि ऐसा प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ, मतलब दिमाग में आया कि भाई गोंडी भाषा सभी द्रविड़ियन भाषा की जननी कैसी, गोंडी भाषा ये द्रविड़ियन भाषा की जननी है, मतलब अगर गोंडी भाषा माँ है तो वो उसकी बेटियाँ है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। तो उन्होंने फिर जो ये हड़प्पा चित्रलिपि जो है उनको अपने गोंडी भाषा में उसका अर्थ क्या होता है देखा, जैसा अभी ये पान का चिन्ह है और यह है एक मानवता कृति जो चिन्ह है, ठीक है, मानवता रूपी ये चिन्ह है, इसको गोंडी भाषा में कहते हैं आल, गोंडी भाषा में कहते हैं आल, आल आल। यह जो चिन्ह है आल चिन्ह, यह कार्य और स्थिति दर्शाता है, कार्य और स्थिति दर्शाता है यह आल चिन्ह। जैसा अभी मान लो ये जो चिन्ह है, यह डंठल युक्त जो चिन्ह है ना, इसको नेल कहा जाता है, नेल मतलब ये नेल बोले तो खेती, नेल, ठीक है, नेल और अधिक ये तो आल है, ये मानवता कृति जो चिन्ह है आल, नेल आल, ये क्या होगा इसका जोड़ नेलाल, 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 नेलाल का अर्थ होता है ये जो खेती का चिन्ह है नेल, अधिकाल नेलाल बोले तो किसान, इसको काश्तकार भी कहते हैं, फार्मर भी कहते हैं। तो वो ये मतलब इसने ये बता दिया है चिन्ह कि भाई ये खेती करने वाला है, किसान है, काश्तकार है, ठीक है, तो ये कार्य और स्थिति दर्शाता है। ओके, आगे चलते हैं। अब दर्शकगणों, ये जो मानवाकृति चिन्ह है इसको गुंडी में आल कहा गया है, आल। अभी इसका वाचन कैसा होगा, आय आय अधिक आल, आय अधिक आल, ये होगा आयाल, आयाल का अर्थ होता है गुंडी में हमें जन्म देने वाली ये माँ, माता, माँ का नाम उचित होगा आयाल, आय अधिकाल आयाल, या आकियाल, आकी आकियाल मतलब माँ। तो सगा जनों और दर्शक जनों, इसको गुंडी में पान के लिए आय कहा गया है, मानापुति चिन्ह को आल गया, आल कहा गया, आय अधिकाल आयाल, आयाल का तो था माँ, जन्म देने वाली माँ, ठीक है। अभी हम अन्य भाषा में भी देख सकते हैं कि कुछ अर्थबोध होता है क्या है, ये पान का चिन्ह दिखाई दे रहा है, ठीक है, पान मानव, पान मानव का कुछ अर्थबोध ही नहीं होता है, ठीक है। और अंग्रेजी में भी इसको प्रयास करेंगे हम, लिप मैन, लिप का, लिप मैन का भी कुछ अर्थबोध होता नहीं, लेकिन गुंडी में लिप के या पान के लिए आय और ये इस आल जो है मानव कुछ चिन्ह के लिए आल आयाल, तो इसका गुंडी में भाषा में आयाल अर्थ होता है, यह अर्थपूर्ण ढंग से होता है। अभी आगे चलते हैं, यह सब सैनवी लिपि का
गुंडी में उदाचन, इस ग्रंथ जो हमारे लिंगो रूप है मोतीराम जी कंगाली ने सब लिपिबद्ध किया है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही हमारे भारतीयों को लिए गर्व की बात है, स्वाभिमान की बात है, जिसकी वजह से हमारे हड़प्पा मोहनजोदड़ो चित्रलिपि गुंडी भाषा में पढ़ने से भारत देश को 5000 साल से भी ज़्यादा प्राचीनता मिली है, ये स्वाभिमान की बात है। हम आगे चलते हैं। ये जो आधा पाना है, हाफ लीफ, हाफ माफ कीजिए नीचे लेफ्ट, हाफ लीफ अर्धपान, अर्धपान या आधा पान, आधा पान, आधा पान को, आधा पान को गोंडी भाषा में कहा गया है कुचाय, कुचाय, कुचाय का अर्थ होता है अर्धपान। जैसे कुछ हमारी मातृशक्तियाँ खेती बाड़ी में काम करती है और भोजन करने के बाद पान सुपारी वगैरह खाते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो पान की कमतरता होती है, मातृशक्तियाँ ज़्यादा होती है, तो वो आधा पान काट कर देती है, तो उसको वो गुंडी में कहती है सेलारनी नाकुन कुचाय सिम, कुचाय आपकी सिम, मतलब आधा पान दे, कुचाय आपकी, ठीक है। ऐसे गुंडी भाषा में है, आज भी काल में भी था, आज भी है और सामने भी रह गया, कुचाय बोले तो। आगे आगे बढ़ते हैं और इसके नीचे ये मानवाकृति चिन्ह है, इसको कहा गया है कुचाय, कुचाय, और ये मानवाकृति चिन्ह को आल कहा गया है, आल। लाइव दिसत नाही वाटते, लाइव दिसत नाही वाटते, कुचायाल, 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 कुचायाल का अर्थ होता है कुचायाल, मौसी, मौसी, मौसी यानी